मुझे लगता है कि आपको इसको लेके अवेयर होने की जरूरत है। जिस तरीके से कोविड कोविड एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि आपके सामने एग्जांपल सेट किया। जी जी जी। कोविड के बाद भी अगर लोग अवेयर नहीं हो रहे तो उनको इंसान को बेवकूफ है। पता है कि आने वाले टाइम पे अगर पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा गया ना तो जो बेच रहा होगा तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा मर जाएगा सर। जी जी। तो ऐसी स्थितियां ना पैदा हो उसको लेके आज अवेयर हो जाओ। आने वाले भविष्य में ऐसी स्थितियां बनेंगी, लोग आज ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कर चुके हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऐसी स्थितियां भविष्य में बनेंगी। जी जी। तो उसको लेकर आज समझदार होना पड़ेगा और यूथ को निकलना पड़ेगा, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 55% का यूथ पोटेंशियल अगर केवल सोशल मीडिया पर कंटेंट बना देंगे ना एनवायरमेंट को लेके, तब रेवोल्यूशन आ जाएगा। इतनी बड़ी पावर है आज यूथ के अंदर, मुझे लगता है उनको लेके आना चाहिए और यूथ को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त और मैं आपको जैसे ही छोटा छोटा ब्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, तो आज स्पेशली मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ जो मुझे लगता है हमारे भारत देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो पैदल ट्रेवलिंग करते हैं, कोई साइकिल में करता है, कोई बाइक में करता है, कोई ट्रेन में करता है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो मैं स्पेशली दोस्तों एक पैदल जो ट्रैवलिंग कर रहे थे उनसे मिला था, जो मैं बता दूं आज से लगभग 2-3 दिन पहले मिला था, लेकिन मैं उनका वीडियो वगैरह नहीं एड कर पा रहा था, आप लोग को दिखा नहीं पाया था। तो स्पेशली दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को उसी को दिखाऊंगा और बताऊंगा और वो किस मकसद से निकले हैं वो सारी चीज़ को बताएंगे भैया। तो फिलहाल दोस्तों बन रही वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग तो आए दिन YouTube में देखते रहते हैं कि ये फेमस हो जा रहा है, वो फेमस हो जा रहा है, ऐसा करके बहुत देखते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा होता है, अच्छा भी होता है कि जो ट्रैवलिंग करके अपना नाम को बना रहा है या वीडियो बना के अपना नाम बना रहा है या कुछ और फील्ड में कदम बढ़ा के अपना नाम को बना रहा है, जैसे कि पिज्जा बर्गर डिलीवरी कर रहा है या फिर कुछ भी सामान डिलीवरी कर रहा है, वो लड़का हो या लड़की हो, ये सारे लोग दिन ब दिन फेमस होते जा रहे हैं यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में। बहुत ही हमें खुशी का अनुभव देता है क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में हैं और हम भी कब इस मुकाम में पहुंच जाएं ये चीज़ हम कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कंटेंट उभरते जाता है वैसे ही मुझे लगता है कि इस फील्ड में हमारा नाम बढ़ते रहता है। और मुझे लगता है कि दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने मन से अपने दिल से करना चाहिए, कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी कर रहे हैं दिल से कीजिए, जरूर सक्सेस मिलेगा दोस्तों आप लोग को। तो फिलहाल मैं दोस्तों आप लोग को जिस शख्स मिलाने वाला हूँ उस शख्स से मिलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो शख्स है ये लगभग 10,000 किलोमीटर चलने का क्षमता रखा है और रखे हैं। मैं इनके सम्मान करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो चल के आ रहे हैं यूपी वगैरह ऐसे कुछ स्टेट बताए थे वो सारे स्टेट होते हुए आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ को बताएंगे दोस्तों मुझे स्पेशली, और ये किस मकसद से निकले हैं पैदल यात्रा में ये सारी चीज़ को बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। और मैं इनके साथ 2-4 सेल्फी भी लिया था और इनका इंटरव्यू भी लिया था, वो सारी चीज़ को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो फिलहाल बन रही वीडियो में दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि मैं तो स्पेशली आप लोग को बता देना चाहूँगा कि एक एक लड़की है जो पैदल ट्रेवलिंग कर रही है बिना पैसे के और वो पूरा इंडिया भ्रमण करने का ठान ली है, ऐसे मैं देखा हूँ वीडियो। लेकिन मैं दोस्तों स्पेशली आप लोग को बता देना चाहूँगा, मैं भी एक शख्स ऐसा देखा जो अभी जितने भी स्टेट घूमूंगा करके बताया है वो सारी चीज़ वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों, और मैं अपने मुंह से याद नहीं है वैसे कि बता पाऊँ, क्योंकि इतना स्पीड बोल रहे थे भैया जो थे मिले थे मुझसे, वो इतना स्पीड बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो फिलहाल उसी चीज़ को देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो तो मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, तो बन रहे दोस्तों वीडियो और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग को ये भैया स्पेशल थोड़ा उतरते हैं ना, थोड़ा सा ट्रैक मनाता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक मान, थोड़ा सा आगे चलेगा। ये फिलहाल दोस्तों देखिए ये कहाँ से चल रहा है, उसको पूछता हूँ इनसे, थोड़ा सा बताएंगे भैया। जो मुझे लगता है रास्ते में स्पेशली वो तिरंगा झंडा के साथ मिले
और भैया जी से मिलना चाहूँगा, एक सेल्फी भी लेना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक बार इंट्रोडक्शन लेता हूँ। पहले सबसे पहले पूछना चाहूंगा कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? मैं अयोध्या से चल रहा हूँ। और नाम बताइए भैया? आशुतोष पांडे नाम है मेरा। हाँ हाँ, थैंक यू भैया। और कहाँ से कहाँ तक का सफर हो रहा है? 21 स्टेट में जाऊंगा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। 10,000 किलोमीटर चल रहा हूँ, 2,300 किलोमीटर फिलहाल मैं चल चुका हूँ, 900 विलेज हो चुके हैं, 45 सिटीज़ हो चुकी हैं, 53 स्कूल्स में सेमिनार्स कर चुका हूँ, 350 प्लस ट्रीज प्लान कर चुका हूँ अभी तक फिलहाल में। और अभी मैं आज छत्तीसगढ़ पहुँचा हूँ, चौथा राज्य मेरा शुरू हो चुका है, यूपी, बिहार, झारखंड खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैं आज जसपुर जाऊँगा, उनको वृक्ष दिया जाएगा। बेसिकली क्लाइमेट को बचाने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, जिसमें मैं 10,000 ट्रीज प्लान कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। उसमें यूथ को कनेक्ट किया जा रहा है, 9th, 10th, 11th, 12th वाले बच्चों के साथ में कोलैबोरेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है बेटा सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीजें जो नेचर है, क्योंकि जी जी हमें 5 मिनट भी जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ हमें मिल के हम जीवित रहेंगे तो जीवन में आगे जाने के लिए अब आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल आज हमारे पास में, 55% का यूथ होने के बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भारत के अंदर आज हमारे पास में, यूपी की, दिल्ली की, मुंबई की और ऐसे प्रदेशों की स्थिति खराब होती जा रही है। WHO के अकॉर्डिंग आने वाले 2050 तक बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिनको शायद हम फेस भी नहीं कर पाएंगे अगर आज हमने क्लाइमेट को लेकर काम नहीं किया। तो बेसिकली उसी चीज को लेकर मैं 10,000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। और ये जो ख्याल है कैसे आपके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे, मुझे लगता है कि आपको इसको लेकर अवेयर होने की जरूरत है। जिस तरीके से कोविड एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि आपके सामने एग्जांपल सेट किया जी जी जी, कोविड के बाद भी अगर लोग अवेयर नहीं हो रहे तो उनको इंसान जो है बेवकूफ है, पता है कि आने वाले टाइम पे अगर पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा गया ना तो जो बेच रहा होगा तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा मर जाएगा सर। ऐसी स्थितियां ना पैदा हो उसको लेके आज अवेयर हो जाओ, आने वाले भविष्य में ऐसी स्थितियां बनेंगी, लोग आज ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कर चुके हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऐसी स्थितियां भविष्य में बनेंगी जी जी, तो उसको लेकर आज समझदार होना पड़ेगा और यूथ को निकलना पड़ेगा, उसकी रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 55% का यूथ पोटेंशियल है, अगर केवल सोशल मीडिया पर वो कंटेंट बना देंगे ना एनवायरमेंट को लेके तब रेवोल्यूशन आ जाएगा, इतनी बड़ी पावर है आज यूथ के अंदर। मुझे लगता है उनको लेके आना चाहिए और यूथ को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है जी। और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं पैदल, तो आप खाने पीने का व्यवस्था क्या है और रुकने का व्यवस्था क्या है? मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी है, पिछले 7 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वर्किंग था, मेरी 90,000 सैलरी थी जी। उसको रिजाइन करने के बाद बेसिकली मैं इस काम को कर रहा हूँ और फिलहाल सेल्फ फंडेड होकर काम कर रहा हूँ। मैं होटल वगैरह कैरी करता हूँ और कहीं पे मंदिर वगैरह आश्रम वगैरह मिलता है उसको लेकर। जी जी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात। थैंक यू। फिलहाल एक फोटो क्लिक कर हमारी टीम से दोस्तों स्पेशल भैया मिलते हुए, देखिए बहुत अच्छा लगा हमें। ग्रुप फोटोज लेने थे। हाँ हाँ, एक बार सामने खड़ा हूँ तभी। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट है तो मैं हूँ, ऐसा कुछ है। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।